चलो जी, हमारा करेला गोश्त जिसने खाना है, आ जाओ दोस्त। करेला गोश्त आ जाओ दोस्त। मैं तो मर जा सकता हूं। ओए, मैं मर जा सा? क्यों मर जा से? हां, क्यों मर जा से? मेरे से मेरी सुनो। क्या मेरी सुनो? मेरी सुनो पहले, मेरी सुनो। अब भाई को आठ मेरी सुनाए पहले मेरी। ये कौन सा टाइम है रोटी का? हां, अमीना सरदार भी आ गई मिलने जुलने। मौज लगी हुई थी ना अमीना सरदार को, सालों का इंतजार था। अभी जी हमारा जो है ना अदरक और लहसुन का पेस्ट बन रहा है। आंटीज आपको पसंद करती हैं, जो अंकल आंटी आपको देते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, उनको क्या बोलोगी? इधर इधर देख के, उधर उनको क्या बोलोगी? थैंक यू। ये देखें, वो पानी आपके लिए। वो इसका मुंह किधर है? ये अंगूर आ गया आपके लिए। देखो बहन भाइयों, प्यारे बहन भाइयों, मेरा अबू जो है ना दो तीन दिन से रोटी नहीं खा रहा, बस थोड़ी सी ऐसे नॉर्मली खाता है, ज्यादा नहीं खाता। तो फिर बराबर हो गए ना दोनों का, उसका भी 25 आपका भी 25। हाँ माशाल्लाह। और आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से, मैं भी फिट फाट। तो ये दोस्तों हमारा शाम वाला व्लॉग हो गया स्टार्ट इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानी में मुबतला है अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए, और मेरे सब देखने वाले बहन भाइयों पर अपना रहम करम फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो ये दोस्तों शाम का व्लॉग हो गया स्टार्ट, आपने रहना साथ वीडियो स्क्रिप्ट पर। वालेकुम सलाम। ये गए थे जी कहाँ, मस्जिद गए थे ना, या उधर गए थे मदरसे? अच्छा मस्जिद। 24वां सिपारा आपका ख़त्म हो गया, आपका? मेरा 25 25 आज शुरू किया था। आज 25 शुरू किया था उसने, उसके 24वां ख़त्म हुआ है, आपका 25वां शुरू हुआ है। तो फिर बराबर हो गए ना दोनों का, उसका भी 25 आपका भी 25। हाँ माशाल्लाह। और आप? मैं वो एक ये वाला पहले सिफार पढ़ लिया था, अब फिर पढ़ रहा। अच्छा, गुड, वेरी गुड। चलो शाबाश, रखो रखो। माशाल्लाह जी, बच्चे भी आ गए हैं मस्जिद से। मतलब के कुछ ऐसे रूटीन होती है कि इनकी ये रूटीन कभी कभी मैं दिखाता हूँ, इसलिए फिर कुछ बहन भाई वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि आपके बच्चे स्कूल तो जाते देखा है, मस्जिद जाते नहीं देखा, तो ये मस्जिद नहीं जाते क्या? तो आज कुदरती आ गए हैं, अभी आए हैं, तो माशाल्लाह आप सब ने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को मस्जिद की भी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें आप दोनों आतिफ और जवेरिया 25-25 सिपारे पे पहुंच चुके हैं, बस 5-5 सिपारे रहते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये कुरान पाक कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद दोबारा इनका, यानी फर्स्ट पहली दफ़ा है अभी ये कुरान पाक कंप्लीट करेंगे, फिर दोबारा इनको एक दफ़ा रिपीट करवाएंगे, फिर दूसरी मरतबा, मतलब दो तीन मरतबा इसको रिपीट फिर करवाएंगे। जब फुल पक जाएगा उसके बाद फिर अगर हिफ्ज़ करेंगे तो इनकी मर्ज़ी, कोशिश होगी हमारी कि हिफ्ज़ कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी अभी हाँ, आप कहाँ कहाँ की तैयारियाँ हैं? चीज़ लेने की? ठाके क्यों लेंगे? ठाके वगैरह ये ठाके वाला काम नहीं करना। और जी है अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अम्मी जान? ठीक हो? खुश हो? तबीयत ठीक है? मौज लगी हुई है? माशाल्लाह माशाल्लाह। हुक्के पे लगी हुई हो? हुक्का पी रही हो? कहीं कहीं टाइम मौका पी गिनिया। जब मैं वीडियो बनाता हूँ उस वक्त पीती हो? माए जरे वेले हुक्का देने तुम और वीडियो बने नहीं। हाँ जब आप हुक्का उठाती हो उसी वाले मेरा वीडियो का टाइम होता है, मेरा वीडियो का टाइम होता है। हाँ फिर बहन भाई सोचते होंगे कि अम्मा जमाला जो है ना वो हर वक्त हुक्का पीती रहती है। चलो हुक्का पीनिया था, ये कुछ नहीं आता है पानी तू, ये कुछ नहीं आता ना, ये नुकसान दे है, पानी तो गुजरते आता है। अच्छा वो ना एक सिस्टर है, क्या नाम है उसका, नाम लेना पड़ेगा या ना लूं, लूं या ना लूं, नहीं लेता। अच्छा एक सिस्टर है, वो कहती है कि अम्मी जान को बोलना छबियां तो मुझे बना के दे, बनवे दीपियां।
अच्छा मासी को अच्छा वो एक मेरी आपी बनी है उसने बोला है कि मुझे छब्बियां तो दो हमी को बोलो। मैंने कहा वो बनाना तो छोड़ दिया है उन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनको बोलूंगा कि फिर बनाए पत्ते हांदे सारे वाला मैं दे छोड़ियम वो वाला बने सी जे बनवे से नुला पीछे दे। चलो सही हो गया सिस्टर जी, हो गया आपका काम आपने बोला था। और मेरा यार जो है ना, अस्सलाम वालेकुम अबू जान, क्या हाल वाल है, ठीक हो खुश हो, क्या कर रहे हो? ऊपर ऊपर देखो, इधर हूँ मैं, इधर हूँ। क्या हाल है, धूप आ रही है ना इसलिए। एक मिनट मैं धूप से आगे आ जाता हूँ, फिर अबू जान को धूप नहीं लगेगी, फिर ऊपर देखेंगे ये। हाँ जी, और सुनाओ सरदार, क्या हाल है, ठीक हो खुश हो, तबीयत ठीक है, मौज लगी हुई है? मौज नहीं लगी हुई, आप रोटी नहीं खा रहे? देखो बहन भाइयों, प्यारे बहन भाइयों, मेरा अबू जो है ना दो तीन दिन से रोटी नहीं खा रहा, बस थोड़ी सी ऐसे नॉर्मली खाता है, ज़्यादा नहीं खाता, डाइटिंग कर रहा है। ओ डाइटिंग ना करो, आपकी डाइटिंग कोई किसी खाते में नहीं आएगी, आपका नुकसान होगा। ओ बोतलां रोटियां। अच्छा और सुनाओ, नहा लिया, फ्रेश हो गए? भाई वालों की वीडियो देखी है? नहीं। अच्छा वो प्लाट वाली देखी है? देखने नहीं, प्लाट वाली तो उस वक्त आप देख नहीं रहे थे, पले पले जा रहे थे जो प्लाट देख सारा देखा वो प्लाट वाली देखी थी। अच्छा देखी थी, हाँ जी। अबू फिर कहता है कि नहीं देखी, वो ले गए वो किता परूं था कुआली नानी दा अटक अटक थे, वो था वो देखी थी ऐसा। अच्छा देखी है, हाँ। फिर कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी है साहब, तो याद है पहन बस कहीं मुझे पता ही नहीं है, मैंने देखा नहीं, नहीं देखा था। अच्छा देखा है, फिर भूल गयी सरदार? हाँ बुजान पठान वाला तो चाह दी चाह पीती है बेगने आए बैठान वाला पानी दा पूछे ने उन्हें क्या वहां के पानी बेहतरीन है। अच्छा पानी दस ना बैठा तो वाला वो प्लाट जब आपने देखा है, फिर अब्बू ने नहीं गौर किया ऐसे ना अब्बू? हां अब्बू फिर अपने ख्यालों में वो कोई और चीज। अरे अमीना बिजली है, इसको हाथ नहीं लगाओ, बिजली है इधर, क्या हुआ है आपको, क्या हाल है आपका? अमीना सरदार ठीक हो कि नहीं ठीक हो? चलो सही है जी, अमीना सरदार ठीक नहीं है, वो कहती है मैं बात नहीं करती, चलो ना करो। हाँ जी आप बताओ। वो मम्मी कह रही थी मोटर बंद करो। मोटर बंद कर दें, चलो अंदर अंदर बटन निकाल, उधर से सोच, उधर से बटन बंद कर दे। हाँ और क्या कह रही थी? और पैसे, पैसे कह रही थी। अच्छा अलिशबा भी पैसे कह रही थी, क्यों अलिशबा को तो पैसे नहीं देने आपको तो नहीं देने। चलें जी अभी जो है ना बाकी रूटीन इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। और जैसा कि पिछली वीडियो में सलमान खान थोड़ा सा गुस्सा थी, फिर उसको मनाया है, मैंने कहा गुस्सा नहीं करता, छोटी छोटी बातें ऐसे हो जाती है, मैं तो मजाक कर रहा था, फिर मान गई है, बाकी आगे इंशाल्लाह देखेंगे। और अमीना सरदार जो है ना, हाँ भाई मैं मर जा सा, क्यों मर जा से, हाँ क्यों मर जा से मेरे सोने शहजादे, हाँ आप तो नहीं, आप मेरी जान हो, मेरी जिंद हो, ऐसे थोड़ी नहीं। हाँ बोलो, क्या बात क्या है, मुझे बताओ क्या परेशानी, क्या है, क्या परेशानी है, बताओ बताओ, हाँ बताओ, नहीं बतानी, बताओ क्या परेशानी है, बताओ क्या परेशानी है, सोने और मेरे अमीना सोने बताओ ना क्या परेशानी है। कन्नन की अम्मी क्या नहीं ले देती क्या? क्या कहती है, क्या नहीं लेके देती आप कपड़े? वो रात इधर राबी अपनी तरह से मैं तो सीवे तो सही बता नहीं, कोई और चीज बता रही है क्या, क्या क्या नहीं लेके देती? नमी क्यों नहीं जा देती? नमी नमी क्या, इधर आप बताओ, हाँ क्या नमी नहीं लेके देती? एक मिनट अलिशबा, क्या हाँ क्या नहीं लेके देती बताओ, क्या बताओ,
हाँ बताओ क्या नहीं लेके देती, हाँ बता क्या नहीं लेके देती। जनादा भी कुछ नहीं देता ना, वो कहते थे सिलाई दे मैं। सिलाई की बात कर रही है कोई? हाँ कपड़े मैं क्यों चाहूँगा सिलाई दे दे समय। हाँ ठीक हो गया, कपड़ों की सिलाई मैं दे देता हूँ, टेंशन क्यों लेती हो मेरे सोने। आप रोया ना करे, बस आपको मैं कपड़ों की सिलाई दे देता हूँ। हाँ जी आप मुझे पैसे दो फिर हम शाल लेते हैं। अच्छा परी इधर आ, इधर आ। हाँ बोल, अब बता क्या है, बताओ क्या चाहिए। मुझे पैसे दो और हम शाय गिनते हैं। मुझे पैसे दो और हम शाय गिनते हैं। शाय ना गिनो, हम गिनते हैं। अच्छा क्या शाय लोगे इधर आ। बंटी और पीस। अच्छा जो आंटीज आपको पसंद करती हैं, जो अंकल आंटी आपको देते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, उनको क्या बोलोगी? इधर इधर देख के उधर, उनको क्या बोलोगी? थैंक यू, वेरी गुड। आप क्या बोलोगी? मैं बोलूंगी थैंक यू। फिर वो चुम्मी कैसे दोगी? कैसे? ऐसे ऐसे दोगी। वाह जी वाह, वेरी गुड, क्या बात है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, छूने। चलो जी आपको पैसे चाहिए? हाँ। पैसे को छह लोगी? हाँ। मुझे लेके दोगी? नहीं। क्यों? मैं देता हूँ पैसे। मैं तो दूँ आपको पैसे, मुझे लेके दोगी शायद? हाँ। क्या लेके लोके दोगी? निम्को। नहीं मैं निम्को नहीं खाता, मैं पापड़ खाता हूँ। मच्छी वाले, मछली वाले। नहीं होते? बड़े होते हैं। बड़े होते हैं? हाँ। मछली वाले नहीं होते? नहीं। ओए होए, फिर तो मैं तो खाता ही मछली वाले हूँ। अच्छा चलो जी इनको देते हैं पैसे और ये लेकर आते हैं शायद चीज़ लेकर आते हैं। जाओ फिर इनके साथ आते हैं। आप साथ जाओगी? हाँ। नहीं मैं लेगी, मैं लूंगी। अच्छा अच्छा चलो देता हूँ जी। माशाल्लाह क्या खाया जा रहा है? रोटी खा रही हो? ये कौन सा टाइम है रोटी का? हाँ अमीना सरदार भी आ गई मिलने जुलने, मूझ लगी हुई थी ना अमीना सरदार को, सालों का इंतज़ार था, काफ़ी दिन से बिछड़े हुए थी आपसे, तो इसलिए फिर मिल रही है। कितने साल से बिछड़ी हुई थी अमीना? 5 साल से 10 साल से? हाँ वो अभी उसी का एक ही, उसी का वही कम कपड़ों का। ओहो कपड़ों, कपड़े तो बांध रहे ना, फिर क्यों रो रही हो? है रो नहीं अमीना, चुप करो। चुप। कपड़े बन जाएंगे फिर ले आएंगे, नो टेंशन। हाँ अमीना के लिए ये देखो ना, वो तो पुराने कपड़े हैं, वो बन जाएंगे, उनके लिए इतनी टेंशन ले रही हो। हमने आगे जो है ना वो लंबरदार की शादी आने वाली है, हमने न्यू कपड़े लेने हैं। शादी आने वाली है। अच्छा चलो सलाम दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मैं कहती हूँ सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से, हम भी माशाल्लाह ठीक हैं और हमारे घर में भी सब ठीक है। हमारा हाँ। तो शाम लोग शुरू हो चुके हैं, हमारे साथ जो नहीं है हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। हाँ बस जो रुसेमा था, गुस्सा था, वो सुबह तक था, वो खत्म हो गया और इसने एक चीज मनवाई है, बोली कि वो लेके दो, तो उसके बाद जो है ना मेरा गुस्सा खत्म। मैंने कहा ठीक है, दुनिया की जो चीज बोलो वो ले लेना, लेकिन गुस्सा ना करो। देखो आप कितनी प्यारी लग रही हो हंसते हुए। अच्छा थैंक यू। हाँ गुस्से में मज़ा नहीं आता, घर का माहौल ख़राब होता है। देखो अब अमीना रो रही है, फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना। वो देखो अमीना चुप हो जाओ, इसे रोते नहीं है, शाम का टाइम है, शाम को टाइम को नहीं रोते। वो देखो मिट्टू भी आपको देख के कह रहा है अमीना जो है ना इसे रो रही है। मिट्टू कपड़े बोला है ना, कपड़े मैं आपको बना दूंगी अम्मी, इसके जितने भी बनाने वाले कपड़े हैं ना सुबह मेरे को दे देना, मैं इसके सुबह कपड़े बना दूंगी। हाँ ठीक है अब चुप हो जाओ। हाँ मैं बना दूंगी अमीना को कपड़े, आप वो ले आओ सामान। क्या वो देखो हमने वो करेले तैयार किए हैं। हाँ जी माशाल्लाह, आज मेरी फेवरेट
करेला, हाय वे धाड़ वे करेला, करेला और साथ में चिकन, किचन कितन चिकन कितना आज है ना, चिकन ले आओ, चिकन में बना किचन चोखा डालूं, एक किलो काफी नहीं, एक किलो सरदार, ओ मेरे सोने शहजादे, एक किलो काफी है, आधा किलो काफी है, नहीं जितना आप बोलोगे, एक किलो खाओगे, दो किलो खाओगे, आधा किलो खाओगे, मैं तो खाने वाला नहीं हूं, आप तो खाओगे, आज तो वाला झगड़ा, आप आज बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा अगर अबू जान नहीं खाएगा तो। और दूसरा आपका क्या कहते हैं, फ्रूट में से सेब या अंगूर, अंगूर सेब साडे वास्ते, अच्छा अंगूर अपने प्यो, अपने प्यो वास्ते, देखो हीर का काम देखो, अंगूर साडे, सेब साडे वास्ते और अंगूर अपने प्यो वास्ते, वाह जी वाह, अमीना वास्ते क्या लेकर आऊं, ये दुपट्टा फिर उतार दिया मेरे सोने, हाँ बोलो हाँ क्या लेकर आऊं, अर्क और मेहंदी, अर्क और मेहंदी, वो अभी तो नहीं है, नंबरदार की शादी आ जाए फिर लेंगे, फिर शादी पे जाएंगे ना, कबाड़ के देखा कबाड़, ये पड़ा रहा है, ये पड़ा रहा है, बोला देख घोड़ा लाते था, घोड़ा लेता वो रोता रहते, हाँ सही है, फिर नंबरदार की शादी आने वाली है, फिर शादी पे जाएंगे ना, सही है, क्या है कौसर के घर, कौसर के घर भी चलेंगे इंशाल्लाह, बीमार बीमार हो, कौन कोई नहीं बीमार, कोई नहीं है, कामिना बीमार थे, नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, सब ठीक है, परेशान नहीं हो, और आपकी दुआ भी कबूल हो गई है जी, एक और बात शेयर करता चलूं, अमीना ने ना ये आप ऐसे मतलब बोलोगे कि यार ये झूठ बोल रहा है, सोबिया फरमान वालों की और मेरी भी, जहाँ पर ये सोबिया फरमान वाले हमें मिल, जहाँ जहाँ मिले हैं उस वीडियो में कहीं मेरे ख्याल ऐसी कोई वीडियो है जिसमें ना सोबिया के साथ इसने, सोबिया उसको बोल रही थी कि अमीना मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह पाक मुझे बच्चे दे, तो इसने बोला अल्लाह पाक, पिछली बार बोला था कि बेटा, इस बार बोला कि अल्लाह पाक ना आपको बेटी देगा, तो वो फिर ना उसने बोला ठीक है, तो अभी जो है ना माशाल्लाह उसके घर वो पेट से है, तो उसके उन्होंने मशीन लगवाई, तो बता रहे हैं कि बेटी है, तो वो रात जो हम गए ना फिर मुझे बोली कि अमीना की दुआ कबूल हुई है, मैंने कहा वो कैसे, बोली कि ये दिल से जो दुआ करती है वो कबूल हो जाती है, इसने जो दुआ की ना, ओए ना कर अमीना एक मिनट, तो इसने बोला था कि अल्लाह पाक बेटी देगा, तो इस बार जो है ना मैंने वो चेक करवाया है, मशीन लगवाई तो बेटी है, मैंने कहा फिर तो अमीना का सूट बनता है ना, बोली कि हाँ अमीना को सूट मैं लेके दूंगी, वो जो बेहाल पता जाएगी ना, हाँ दो कुड़िया तो दो मुंडे वाला सी हो देगा, चलो जी माशाल्लाह दो कुड़िया दो मुंडे और भी आएंगे, अभी जो है ना मैं चलता हूँ चौक पे और उधर से सामान लेना है, ठीक है, और कोई लेना है मिसाले वगैरह, सिर्फ चिकन लेना है, आपके फ्रूट कोई अलग से हैं, एक दो जो ले आए वो, हाँ। ले आना, वो क्या होती है मिठड़ियाँ, मिठड़ी खट्टे हैं वो, तो जो मैं ले आया था पिछली बार, नहीं आप वो और ले आए थे, वो और होते हैं मौसमी मिठड़ा और क्या होता है मरल, वो मिठड़ा, हाँ, वो। उसको बोलूं मिठड़ा दे, मिठड़ा होता है तुमने क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो ही मेरे, चलो मिठड़ी और अंगूर और सेब और चिकन, ये चार चीजें हैं ना, चलो और कोई चीज़ लेनी है, हाँ जल्दी से चला जाऊँ, मत आखो भी कोई चीज़ लेनी है, इससे बेहतर है जल्दी चला जाऊँ, चलते हैं फिर चौक, तो दोस्तों फाइनली वापस आ चुका हूँ मैं, सामान वगैरह लेकर मेरे यार के लिए जो है ना फ्रूट लेकर के, मेरा यार जो है ना अपने हिसाब से फ्रूट खाए, पहले तो जो यहाँ पे देखे ये मिसाले काट रही है, गोश्त की आज हड़ताल है मेरे ख्याल, सिर्फ एक शॉप खुली हुई थी बाकी सारी बंद थी, जहाँ भी देखो वही बंद किया हुआ था, ये काफ़ी है इतना, काफी है लेकिन वो चीज़ तो नहीं है, कौन सी, दो चार जेरे डलवा के आते, मैं उस वक्त बोलना ही भूल गई आपको, तो बताती मैं, वो जेरा अलग से देते हैं, कलेजी कोटा अलग से होता है उसको, वो अलग से देते हैं, और दूसरा जो है ना ये फ्रूट है, ये मेरे यार के लिए फ्रूट, इधर इधर नहीं उधर रखता हूँ,
मेरा सोना शहजादा, मेरा यार, मेरा अबू, ये लो खाओ। आज ये सारे मकान है आज की रात में, फिर ना कहना। ये आज टोटली सारा कुछ सुबह तक ना, ये मुझे पता चले कि अबू जान ने सारे खा लिए। सही है, ये केले लेकर आया हूँ और ये सेब हैं एप्पल, और ये आपके लिए, वो इसका मुंह किधर है, ये अंगूर आ गए आपके लिए, और ये दो चार हैं मौसमियाँ। यही कह रही थी हाँ, ये वाली ये सलमा ने बोला है, और अपने लिए मैंने लिए हैं ये जापानी फल आपके लिए अंगूर, और ये जो चीज़ मतलब आप, मैं कहता हूँ कि आज सारा कुछ खा लेना, या अभी कुछ खा लो, फिर शाम को रात को सोते टाइम खाना, फिर सुबह खाना, इस हिसाब से खाते रहो। रोटी नहीं खाते तो फिर ये खाओ, सही है ना। ओके हो गया, बाकी आप इनको ना धो के पहले फ्रिज में रखना, या ऐसे खाओगे ठंडे क्या करने, फिर खांसी लग जाती है, ऐसे धो के ना। मैं कहता हूँ कहाँ गए, आ जाओ जवेरिया, इधर आओ जवेरिया, इधर आओ जल्दी जल्दी आओ। ये चीज़ लेकर आई, अम्मी कहाँ गई, अमीना और अम्मी? वो दोनों ऊपर गई हैं, अमीना में उनका ना ऊपर वालों का कंप्यूटर खुला हुआ था, ऐसे एक एक पुर्जा अलग हुआ पड़ा था। अच्छा। फिर उन्होंने कमरे में नहीं रखा, बाहर ही छोड़ के चले गए। अब अमीना रोज जाती है, वो पुर्जे तोड़ फोड़ के ना उनका सामान ले आती है, अभी भी कुछ तोड़ फोड़ के ले आई तो अम्मी ऊपर देखने गई है। अच्छा जवेरिया, वो अंगूर उठाओ और अबू को धो के दो, वो अबू ने उठाए हुए हैं ये, जल्दी जल्दी से ना इनको धो के साफ सुथरा करके फिर अबू को दो, ठीक है। बाकी ये दूसरे फ्रूट भी हैं, ये अभी नहीं खाना, ये भी धो के रखने हैं। जापानी फल है, ठीक है, ये सब धो के ना फिर रख के फिर खाने हैं। और सलमान खान जो है ना, ये देखिए माशाल्लाह, इधर मसाले काट रही हूँ, अभी बनाते हैं। मसाले काट रही है यहाँ पर, और आज जो है ना मेरी फेवरेट करेला बन रही है। हाय हाँ जी, और इसलिए आपने खाना जो है ना घर पे ही खाना, मैं नहीं बाहर खाऊंगा, मैं घर ही खाऊंगा। चाहे मेरे लिए एक किलो अलहदा रख लेना, मैं खा लूंगा करेला हो तो, मैं चाहे फुल भी आऊँ ना बाहर से भी, तो फिर भी मैं मतलब के करेला नहीं छोड़ता, करेला मेरी फेवरेट है, जान है मेरी करेला। सही है। और साथ में आज तो वैसे गोश्त पक रहा है, करेला गोश्त, ओए होए होए होए, मुंह में अभी से पानी आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, चलो जी अभी जो है ना मैं जाता हूँ चौक पे। अच्छा। हाँ, मेरा एक और काम है, मदबासी की फिर कॉल आई है, कहता है कि इधर शॉप पे आ, उसके मामू और सब बैठे हुए हैं। अच्छा। तो शायद इसी मकान के बारे में फिर बात होगी या कोई और काम होगा, तो जाता हूँ फिर पता चलेगा, तो मैं उधर होके आता हूँ। तब तक आप ना ये आज करेला रेसिपी शेयर करो और नाद भी सुना देना, मजीद मैं फिर आके वीडियो देखूंगा फिर, ठीक है। ऐसे अबू को छापर दे दूं क्या, प्लेट प्लेट में सोना पुत्र, प्लेट में डाल के देते हैं, ऐसे थोड़ी देते हैं, ठीक है सरदार। ओके है, सही है। मैं उधर से वो आऊँ तो, बाकी तब तक आप जो है ना ये रेडी करो, फ्रूट वगैरह आ गए हैं सब के, जो जे चीज खाएगा फिर। हाँ, अभी तो गर्म हो गया ना, फ्रिज में रख देते हैं, फिर जब ठंडे हो गए फिर खाएंगे। हाँ ठीक है, शाम को खा लेना। ये बिजली चली गई यूपीएस, ओ तेरी बिजली नहीं है, यूपीएस भी वो डाउन होने वाला है, ये देखो दो बच्चियाँ हुई हैं, खत्म हो गई है। हाँ, शाम का टाइम है और पंखे भी साहब को चला, वो अमीना और अम्मी लड़े हुए हैं। सरदार आपके हीर राजा तो लड़े हुए हैं, अमीना और अम्मी लड़े पड़े हैं। हाँ चलो जी, मैं इसको ना बिजली चेंज कर लूँ, ये ना हो कि ये बंद हो जाए, किसी चीज़ को झटका लग जाए। तो पहले तो जी मसाले वगैरह जो है ना कटाई कर लिए हैं मैंने, अभी जो है ना आज रेसिपी शेयर कर रहे हैं, करेला और चिकन बना रहे हैं, ये आप लोगों से पूरी शेयर करेंगे। तो ये देखें, अम्मी ने करेला छील के इनको काट के रख दिए थे, अभी इनका पानी निकालते हैं, जो कड़वा पानी होता है वो निकालते हैं अभी इसका। वैसे तो ये एक बार बनाए थे उधर, तो ये बनाए थे बकरे के गोश्त में, बहुत ही ज़बरदस्त बना था, आज मुर्गी में बना रहे हैं। दरवाज़ा बंद करो परी, देखते हैं इसका कितना पानी निकलता है। ये देखें वो पानी निकल रहा है, हरा हरा सा पानी, कड़वा। ये करेले हैं, इसका पानी निकाल के ना
इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। कहती है सारा घी तले है, इसको पानी को घी समझ रही है। तो जी सामान वगैरह इकट्ठा कर लिया है और अभी जो है ना ये देखें, मैंने सोचा पहले आटा गूंथ लेती हूँ उसके बाद फिर जो है ना बनाएंगे रेसिपी। तो अभी आटा गूंथते हैं उसके बाद फिर बनाएंगे रेसिपी। अभी जी बारी आ चुकी है चिकन धुलाई करने की, तो अभी चिकन धुलाई करते हैं उसके बाद फिर चूल्हा जलाते हैं। अलग अगर गैस हो, अगर गैस नहीं होगी तो फिर मसला बन जाएगा। अभी जी हमारे जो है ना अदरक और लहसुन का पेस्ट बन रहा है, इनकी कुटाई कर रहे हैं। तो उधर घी भी देखे मैंने रख दिया, घी भी गर्म हो चुका है। तो अभी जो है ना इसमें पहले करेले को तड़का लगाते हैं उसके बाद फिर चिकन की भुनाई करेंगे। इनको जो है ना फ्राई करके निकाल लेंगे उसके बाद फिर चिकन की भुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी ये तो ऐड हो गए। ये है कि मेरे हाथ के करेले, बाकी सब चीज़ें अच्छे बन जाती है। अमीना गिर गई पौड़ी के ऊपर, अमीना गिर गई पौड़ी के ऊपर। तो मेरे हाथ के करेले जो है ना ये कड़वे बनते हैं, बाकी हर चीज़ अच्छी बना लेती हूँ, लेकिन जब ये करेले जिस दिन बनाती हूँ ना, हर कोई बनाता है, इतना कड़वे नहीं होते। मैं चाहे जितना भी इनको भूनती जाऊँ फिर करती जाऊँ, मतलब कि जल जाते हैं, कड़वाहट नहीं मरती इनकी। पता नहीं क्या मजा है, क्या बस मसला है। तो बस आज दुआ कर रही हूँ क्योंकि अगर ये हो ना कड़वे तो फिर जो है ना सारा रेसिपी अच्छी नहीं लगती, तो खाने में मज़ा नहीं आता। तो आज इनको जो है ना बस दुआ कर रही हूँ ये अच्छे से जो है ना इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए ताकि रेसिपी हमारी ज़बरदस्त बन जाए। तो जी माशाल्लाह मेरे जो है ना करेले फ्राई हो चुके हैं। अभी मैं इनको निकालती हूँ, निकाल के जो है ना ये जाली ले आऊँ ताकि घी जो है ना इसका अच्छे से वो हो जाए। वो अम्मी को चेक भी किए हैं, कड़वे हैं तो सही, लेकिन ज़्यादा नहीं है, कम है। चिकन के साथ जो है ना सेट हो जाएंगे। ऐसे अगर अलग अलग इनको करती तो शायद जो है ना घी भी डबल लग जाता हमारा, इसलिए इसको जो है ना पहले इनको फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब जो है ना इसमें वो दूसरे मसाले ऐड कर दूँगी। ये देखें जी ये निकाल लिए हैं, ये देखें ये फ्राई हो चुके हैं। अभी इसमें जो है ना हम ऐड करते हैं दूसरे मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा चिकन रेडी होगा। आपको पसंद है? हाँ। कितने
कि अभी प्याज ऐड कर दिए हैं, अभी प्याज जो है ना ब्राउन होंगे, फिर आगे जो है ना चिकन वगैरह बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। आज पूरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी अभी जो है ना ये देखिए मेरे प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं, तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ चिकन। बिस्मिल्लाह। वैसे तो कल भी खाया था चिकन, तो ये था कि करेले ख़त्म हो रहे हैं, अब इनकी मौसम भी है ना ख़त्म हो रही है, तो कभी भी ऐसे रोज़ कहते थे कि एक दिन ना चिकन और करेला बनाएंगे, लेकिन ऐसे करते करते काफ़ी टाइम लग गया। तो आज मैंने सब्ज़ी ली तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं आज बना ही लेते हैं। चलो हमने तो खा लिया था, बाकी घर वाले तो खा लेंगे ना। हाँ जी, ये है पकौड़ों वाली छानी। तो जी लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल देती हूँ साथ में। जल्दी पकाओ, जल्दी बनाओ, आपको भूख लगी है। फ्राई हो चुका है, तो अभी जो है ना मैं इसमें और चीज़ें ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये देखें धनिया और टमाटर ये ऐड करते हैं, उसके बाद ये ऐड हो चुका है, और साथ में मिर्चे नमक ये चीज़ें भी ऐड कर देते हैं ताकि फिर इसकी भुनाई होती रहेगी। दो चम्मच मिर्चों के ऐड हो गए, और हल्दी तो है नहीं, ख़त्म हो चुकी है, और साथ में थोड़ा सा ये गरम मसाला। तो जी अब नमक ऐड करते हैं, उसके बाद जी अभी इसको करना है मिक्स। हो जाएगी अच्छी अच्छी ग्रेवी बन जाएगी, फिर हम ये मिक्स करेंगे करेला। तब तक जो है ना मैं एक छोटी सी नात भी सुना देती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मदीन। असी जावांगे मदीने और गड़ी कदौड़ी, ओते कदमा च बह के असी अर्जी सुनोनी। असी जावांगे मदीने और गड़ी कदौड़ी, ओते कदमा च बह के असी अर्जी सुनोनी। साडा असला तू दिल साडे
ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੈਯਦਿਨਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੈਯਦਿਨਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਆਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਦੁੱਖਾ ਛੋੜਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਦੁੱਖਾ ਆਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਬਿਗਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਦੀਨੇ ਔਰ ਘੜੀ ਕਦੋਣੀ ਉੱਥੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਲਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਆਕਾ ਤੇਰਾ ਏ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਜਿਸ ਕਾਮ ਕੇ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਵੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਲਮਾ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੈ ਸਲਮਾ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਆ ਥਾ ਨਾ ਸੁਬਹ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਸੇ ਆਹ ਨਿਕਲੀ ਦੁਆ ਨਿਕਲੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਮ ਕੇ ਲਈ ਗਿਆ ਥਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਲਮਾ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਇਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸਲਮਾ ਕੇ ਲਈ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਲਮਾ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀ ਥੀ ਇਹ ਸਲਮਾ ਨੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕੀ ਥੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲਮਾ ਲੱਕੀ ਹੈ ਆਪ ਅਕਸਰ ਬੋਲਤੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਸਲਮਾ ਅੱਛਾ ਸਲਮਾ ਬਸ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ एक मिनट पता है क्या मेरी सुनो पहले मेरी सुनो अब भाई को आठ मेरी सुनाए पहले मेरी सुनो अबे नंगा क्या बैठा है अब्बा भी कपड़ा नहीं पहना अच्छा पता है क्या मेरी सुनो ये सिर्फ ना आधी बात ना छोड़ी करो मैं आधी नहीं छोड़ रहा सच बात ये है कि मैं सच तो वैसे बात ये मेरी है पहले मेरी सुनो पाक सबकी वजह से दे रहा है मेरी वजह से नहीं दे रहा नहीं 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 ये होता है नसीब मैं सच बताऊं तो ये सब का नसीब होता है ये नहीं कि सिर्फ मेरा है या अम्मा का है या अबू का है या अमीना का है या बच्चों का है सब का अल्लाह पाक ने रिज़्क पाने लिखा हुआ है हर किसी का जो हमारे घर में और बेबी आ रहा है ना आवाम फिर शुरू हो जाएगी लो जी इनके घर में भी आ रहा है अच्छा तो वो अगर आए मिसाल के तौर पर अगर आए तो उसका नसीब अल्लाह पाक हमारे रिज़्क में उसका भी लिख देगा ये होता है नहीं सबका नसीब है नसीब मेरा हाँ, नहीं है आपका नसीब मेरा है मेरा नहीं आपके घर में नहीं अच्छा, आ रहा और मैं बताऊं हाँ। ये देखो ये आपका नसीब तो है जब से आप इधर आई हो वीडियो पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो ख्वाहिश की अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी हुई वो आपका नसीब है ना चैनल मेरा ग्रो किया चैनल भी कुछ अच्छा चला तो उसकी वजह से फिर हालात भी घर के ठीक हुए घर भी ले लिया ये सब आपकी वजह से है ना जस्ट ये मजाक तो एक अलग बात है मजाक बंदा अलहदा करता रहता है लेकिन ये सलमा की वजह से है ये तो मैं मानता हूँ अच्छा नहीं, और दूसरी बात एक और जो मैं मम्मी अब्बू को बता रहे थे मैं गिच्ची घोटा गाल सुनो हूँ और दूसरी बात ये है कि जिस काम के लिए गया था अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं कह रहा था ना अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है शुक्र है उस पाक जात का कुछ फायदा हुआ है अच्छा और दूसरी पता है क्या खुशखबरी है भाई ने कार ले ली है अच्छा हाँ उधर जाकर कार ले लिया 1.5 करोड़ वाली अच्छा मैं कहता हूँ इधर हजार हजार भी मुझसे लेता था ये इकट्ठे करके करोड़ का गाड़ी ले लिया 1 करोड़ की ऐसे अम्मी आपके बेटे ने गाड़ी ले ली है सही गाल उसने गाड़ी ले लिया आप जाके वीडियो देखो 1.5 करोड़ की गाड़ी ले लिया है उसने मजाक वाला गाड़ी तो ले ली तो जगह क्यों बनाई सी तो प्लाट क्यों सी गाड़ी तले ली वो सरप्राइज कहता है सरप्राइज गिफ्ट अच्छा गाड़ी मिली है पता नहीं ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रही मैंने वीडियो नहीं देखी अभी मैंने सिर्फ थंबनेल देखा ऊपर लिखा था
सरप्राइज हमारी न्यू कार, आवर न्यू गाड़ी, आवर न्यू कार। अच्छा, अच्छा, तो एक और बात, आपने वीडियो बनाई थी? हाँ जी। चलो, आधे घंटे से भी ऊपर बन चुकी है, अभी तक वो रेसिपी शेयर करनी है, आधी रह गई है। आधी रह गई है, तो वो करेला गोश्त भी उधर अड्डे पे मांग रहे हैं, वो कहते हैं हमने खानी है, हमें भी लेकर दो। आपने उधर जाके उनको बोल दिया? वो यार बैठे थे सब बैठे, एक साथ बैठे थे। हाँ। तो लगे कहने लगे कि 100-100 रुपया मिक्स करो तो रोटी मंगवाते हैं, भूख लगी है। मैंने कहा भाई मेरे पास 100 रुपया नहीं है, मैं घर मेरी फेवरेट चीज पकी हुई है, मैं वो खाऊंगा। बोले क्या? मैंने कहा करेला गोश्त। बोले वो तेरी हमारी भी फेवरेट है, ले आ। तो फिर इसलिए भागा, मैंने कहा चलो ले। अभी वो आधी पकी है, वो गैस चला गया है अभी, वो बस वो मतलब तैयार नहीं हुआ, नहीं हुआ, रोल लगते गए हैं, पर चास बड़ी आई है थोड़ी सी। वो कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है। अभी चेक करती हूँ आ गया है तो फिर बन जाता है, इसलिए मैंने वो आतिफ को आटा दे दिया, मैंने बोला उधर तंदूर से रोटी लगवा लो। चलो वो चेक करो यार, वो लाजमी खानी है उन्होंने। आपको भी भूख लगी है ना? वीडियो नहीं देखी? अच्छा भाई की अभी भेजी है उसने। पहले सारा नहीं दे रहा क्यों? कहीं देखेंगे उधर एलईडी पे, बड़े होते हैं ना उसमें देखने में भी। हाँ, मैंने सारा दिन हो सकता है वो अकबर भाई की वो। हाँ, अकबर भाई का हो सरप्राइज। नहीं ये तो थंबनेल पे लगा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था। रेडी करो, मुझे भूख लगी है जोर की, और वो भी ये देखो। ओए यार ये कौन सी लोड शेडिंग शुरू हो गई है, मुझे तो समझ नहीं आती है इसकी। चलेंगे मिलते हैं फिर कुछ देर। आ गया गैस, शुक्र है। थोड़ा सा चिकन को देर थी। हाँ, तो ये देखिए जी, गरम हो गया है चिकन भी, माशाल्लाह रेडी हो चुका है। और ये है करेला सरदार। हाँ, इसको बस अभी डाल के मिक्स करते हैं। बस ओके है। हाँ। अच्छा वो वीडियो देख आया हूँ। अच्छा। वो मजाक की है उन्होंने। अच्छा। गाड़ी की मजाक की है, वो बस रेस्टोरेंट पे गए हुए थे ना एक होटल पे। करो ये कड़वे हैं या सही है? ये तले हुए हैं। कड़वे मुझे पसंद है। सही है, थोड़े कड़वे होने चाहिए, कड़वे कड़वे होंगे ना ये, इसकी कड़वाहट खत्म होगी तो फिर क्या फायदा। चले जी, जब लिए तो बहुत सारे थे, अब देखें कितने कम हो गए हैं थोड़े। कोई नहीं, आज की रात का गुजारा चल जाएगा ना। चलो जी, हमारा करेला गोश्त जिसने खाना है, आ जाओ दोस्त। करेला गोश्त आ जाओ दोस्त। चलो जी, मिक्स हो गया है, और फिर एक सिस्टर बोलेगी भाई अपनी तो पूरी हो नहीं रही और हमें बुला रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जो भी आता है ना उसका पहले से खाना होता है। हाँ जी बिल्कुल, मेरा फेवरेट फेवरेट करेला गोश्त, और देख के मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, उस वक्त बातें कर रहे थे। लोग चेक कर रहे हैं कैसा लग रहा है। ओए हाय हाय हाय, मुंह में पानी आ रहा है। चलें जी, ये हमारी रेसिपी हो गई मुकम्मल, आज हमने रेसिपी मुकम्मल शेयर की है, और आप लोगों ने बताना जरूर है कि ये आप लोगों को कैसी लगी। हाँ जी, तो और वीडियो यहीं पर एंड कर दूं? हाँ वीडियो का एंड कर दो, अब काम भी खत्म, वीडियो भी खत्म, अभी बस ये रोटियां हाथ में लगवाया है, ये देखो तंदूर की रोटी लगवाई। हाँ। मैंने सोचा इनके साथ ना अच्छी लगेगी। होय होय। बस अभी हम खाना खाते हैं, वीडियो का भी एंड कर देते हैं। चलो जी, चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो, आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और जैसा कि पिछली वीडियो में हमारे था थोड़ा सा ऐसे, सलमा थोड़ा गुस्सा हुई थी तो उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे थे, जैसे कि हर कोई से मतलब कि सिस्टरें बहनें थी वो ऐसे कह रही थी कि कुछ के भी आप ज़्यादा इसको तंग करते हो। मैं इसके साथ ऐसे जानबूझ के मजाक करता हूँ, बाकी ये तो नहीं, अगर ये प्यार मोहब्बत में ये मजाक थोड़ा तकरार लड़ाई झगड़ा खट्टी मीठी ये चीज़ें ना हो तो प्यार नहीं बढ़ता। और मियाँ बीवी में ये मैं ये करूँ कि हाँ जी ये चीज़ नहीं है हमारे में, तो ये होती हर घर में होती है, हर मियाँ बीवी के साथ, यानी छोटी मोटी तकरार ये प्यार बढ़ता है, ये चीज़ें होती हैं। बाकी इस चीज़ को आप ज़्यादा वो ना समझें कि यार ये ऐसा हो रहा है ऐसे हो रहा है, ये होता रहता है। बाकी और जो है ना भाई वालों से मैंने पूछना है, आज उनसे बात होगी कि फ़ाइनल कौन सी प्लाट वगैरह या कौन सा ओके कर लिया है, तो वो कल इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन सा फ़ाइनल हो चुका है, इंशाल्लाह वो कल दिखाएंगे। तो मेरा एक काम था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, जिस काम के लिए मैं गया था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दो में याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।